रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ क्षेत्र के जसोली में मां हरियाली देवी मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय हरियाली महोत्सव का आज समापन हुआ। आपको बता दें कि मां हरियाली मेला दर्शन समिति द्वारा 3 दिवसीय हरियाली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, महिला मंडल दलों ने स्थानीय कलाकारों तथा वॉलीबॉल कैरम खेल प्रतियोगिताओं में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा। देखिए कि मां हरियाली का ये आज का नहीं बहुत पुराना, इसमें हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे देवी देवता हैं उन पे हमें किस प्रकार से पहले से भी आज भी विश्वास है, वो इसी प्रकार से ये मेले आगे बढ़ते रहें और जो मेलों के माध्यम से हमारे स्थानीय कलाकारों को, हमारे बच्चों को और स्थानीय जनता को जो लाभ मिलता है, तो ये एक मेलाओं की जो परंपरा है, मैं चाहती हूँ उत्तराखंड में ये बनी रहे और ये विस्तृत रूप से। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि जो लगातार हमारे मेले को कवर किए जा रहे हैं, हर दिन न्यूज में अपडेट आते हैं और ये आज तीसरा दिन है, समापन का दिवस है मेले का, हरियाली महोत्सव सबका। इसमें प्रथम दिवस में बच्चों के कार्यक्रम रखे गए थे, द्वितीय दिवस में महिला मंडल को सामने लाया गया था और समापन कार्यक्रम में इनाम वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। ये मंच बहुत छोटी सी जगह पे बहुत बड़ा काम कर रहा है। जसोली का बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मगर उत्तराखंड में इसका बहुत अलग ही महत्व है। इसको हमारे पर्यटन विभाग को भी लेना चाहिए, अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इसको भव्य रूप देने की कोशिश कर। भाई गौरव चौधरी ने मेला समिति के जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने विगत 2 वर्षों में इसे बहुत ही भव्य रूप देने की कोशिश की है, जो आप लोगों के सामने है, जो कवर आपने किया है, जो लोगों तक पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही मैं एक संदेश समस्त जनता को, जो भी इस चैनल को देखना चाह रहे हैं, मैं उनको भी देना चाहूंगी और अपने इस चैनल के जरिए समिति को भी बोलना चाहूंगी कि जैसे बच्चों के लिए बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज रखी हुई थी, महिलाओं के लिए केवल एक सीमित नाच गाना न रख के हमें और भी अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके अंदर जो गाँव में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको और सामने लाने की कोशिश। नमस्कार, आज हम कुरजण से हरियाली देवी मंदिर के मंदिर में माता जी के दर्शन करने आए हैं। कुरजण से ऐसा मानना कि आज पहले तो बड़े लंबे समय से हमें माता जी के दर्शन करने का मौका मिला। हम सभी 8-10 लोग आए हैं और हमारा है कि हमारे गांव की अधिष्ठात्री देवी कुछ हमारे गांव वालों की वजह से हुआ होगा, कुछ कमी हो गई थी तो माता वहां से रुष्ट होकर यहां वास करने लगी हैं। आज फिर हम लंबे टाइम पे पहले तो आते थे, लोग दिवाली के अवसर पे आते थे, दिवाली के एक दिन पहले आते थे यहाँ। अभी भी अब धीरे धीरे वैसे कम हो रहा, पर वैसे फिर भी लोग आ रहे हैं। माता जी के दर्शन करके आज हम धन्य हो गए, धन्यवाद। देखिए हरियाली के प्रांगण में आदिकाल से ये मेला आयोजित होता रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मेले को 3 दिवसीय मेले का स्वरूप दिया गया है और हरियाली देवी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि पर्यावरण की ये देवी है और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए पर्यावरण संरक्षण का संदेश यहाँ पर दिया गया। हरियाली देवी रानीगढ़, बछन सिंह और धनपुर क्षेत्र की आराध्य देवी है, अधिष्ठात्री देवी है और लोगों की बड़ी आस्था आदिकाल से इसमें रही है। तो उसी कड़ी में मेला समिति का गठन किया गया और मेला समिति द्वारा हर वर्ष यहां पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता रहा है।